पाकिस्तान गई भारतीय महिला अंजू के केस से जुड़ी एक और खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में जिस पाकिस्तानी व्यक्ति नसरुल्लाह को अंजू का प्रेमी बताया जा रहा है, अब उसके हवाले से एक और बयान सामने आया है। एक भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नसरुल्लाह ने कहा है, अंजू पाकिस्तान की यात्रा पर है और हमारा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। वो 20 अगस्त को अपने देश लौटेगी जब उसका वीजा एक्सपायर हो जाएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक नसरुल्लाह ने अंजू के साथ लव एंगल को खारिज किया है और कहा है कि अंजू उसके घर में दूसरी महिलाओं के साथ अलग कमरे में रह रही है। जबकि इससे पहले एक मीडिया रिपोर्ट में नसरुल्लाह के हवाले से बताया गया था कि अगले कुछ दिनों में वो और अंजू मंगनी कर लेंगे। इसके बाद अंजू का भारत लौटकर दोबारा शादी के लिए पाकिस्तान आने का प्लान है। ऐसे में इस केस को कथित तौर पर प्यार की खातिर अवैध तरीके से भारत आई पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के केस से जोड़ा जाने लगा। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अंजू की मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले पाकिस्तानी व्यक्ति नसरुल्लाह से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई। बताया गया कि इसके बाद अंजू नसरुल्लाह से मिलने के लिए पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के ऊपरी दीर जिले में पहुंच गई। खैर, मामला जो भी हो, लेकिन फिलहाल राजस्थान में अलवर जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाली अंजू की कहानी भारत से लेकर पाकिस्तान तक सुर्खियों में है। इस बीच अंजू का भी एक बयान सामने आ चुका है। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई दो दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ, और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है, और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस दो तीन दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। इस मामले पर अंजू के पति का ये बयान आया है। मैं सर यूपी से, शादी 2007 में हुई, 3 जनवरी। और भिवाड़ी कब आए हो? भिवाड़ी तो 2005 है। आपको कभी से रही पत्नी के साथ? 2007 से ही रह रहा हूं। बच्चे कितने हैं? 2 है सर। आपको कभी इस तरह की जानकारी मिली कि किसी से बात करती है सोशल मीडिया पे, या किसी पाकिस्तान के व्यक्ति से अटैच्ड है, किसी बातचीत होती है, संबंध संपर्क में है? ना, ऐसा तो कोई मेरे से बात नहीं। तो अभी आपको जानकारी मिली तो क्या जानकारी मिली? जैसे आप फोन लगा रहे थे, फोन पे क्या बताया आपकी पत्नी ने? आपकी मिसेज ने फोन बोली थी कि लाहौर में गई हूं, सबको बता दिया। अच्छा, तो आपने जब लाहौर का नाम लिया तो आपने ये नहीं पूछा कब आओगे? तो लाहौर कैसे? दो तीन दिन के लिए कह रही थी, दो तीन दिन में आ जाए। ये पता है आपको उसने वीजा पासपोर्ट बनवाए थे? हाँ, पासपोर्ट तो पता था। अच्छा, पर ये पता नहीं कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ? ना, ये नहीं पता। अच्छा, उम्र कितनी है मैडम की? करीब 35-36 की। नाम क्या है पूरा? अंजू। पूरी कहाँ के रहने वाली? उत्तर प्रदेश में। वो एमपी की रहने वाली है। कहाँ की? टेकनपुर। कैसे शादी कैसे हो गई आपकी? हमारा शादी तो यहीं हुआ। कैसे संपर्क हुआ था आपका? हमारा एक चर्च के पास्टर है, उन्होंने करा। आप क्रिश्चियन है? हाँ सर, क्रिश्चियन है आप? हाँ सर। पहले से क्रिश्चियन है, बाद में बने? नहीं, वहाँ तो शुरू से ही। और वो हिंदू है? वो हिंदू थी, बाद में क्रिश्चियन। वो बाद में क्रिश्चियन बने। आपकी मिसेज जब यहाँ से घर से गई थी तो क्या बोल करके गई थी? मैं तो घूमने के लिए जा रही थी। कहाँ घूमना बताया था? ये मेरी बात हुई थी, कहाँ जाना है? जयपुर। जी अरविंद जी, अब आपको जानकारी मिल गई है, जो जानकारी प्रशासन के पास है या हमारे पास है, तो अब क्या पैरवी करेंगे आप? क्या तैयारी आपकी है बताएं? मैं तो सर बुलाने की तैयारी हूँ। बुलाने की तैयारी? हाँ सर। अभी बात हुई क्या कर रही हूँ? मेरे से तो बात नहीं हुई, मेरे एक साली है, बोली उससे बात कर लेना। मैंने उसको फोन मिला, कह रही वो दो तीन दिन के घूमने आ जाएगी। जी, तो आपको पूरा भरोसा है कि वो आ जाएंगे? किस रास्ते से पहुंची है यह नहीं पता, किस रास्ते से गई है सर? आपको भरोसा है आ जाएंगी? आ जाएगी सर।